स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल T20 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे, और यह मैच शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे लास्ट ईयर 25 अप्रैल को CSK वर्सेस RCB के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की तरह से आपको दिखेगी। ये पिच की फोटो ना दोस्तों, ये 3 दिसंबर की फोटो है जब यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड टेस्ट मैच खेला गया था, तब की दोस्तों पिच की फोटो। आपके लिए मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जुगाड़ करके दोस्तों फोटो लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम ना कोई मैच हुआ था वो यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ था 3 दिसंबर को। तो आप पिच को दोस्तों देख सकते हो, जब लास्ट टाइम पे इस वेन्यू के ऊपर मैच हुआ था तब दोस्तों पिच यहाँ पे इस तरह से दिख रही थी। इस पिच की खासियत क्या रहेगी, जो पिच रहेगी दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की, ये पिच दोस्तों एक हाई स्कोरिंग वेन्यू दोस्तों, बैटर फ्रेंडली पिच रहती है, यहाँ पर रन्स बनते हैं और यहाँ पे पेसर्स को भी मदद मिलती है। तो आप पिच को दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है जो पिच है ना दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम की, ये रेड सॉइल से बनी है। मैं कैसे कह सकता हूँ, ये पिच दोस्तों रेड सॉइल से बनी है। तो आप देखो यहाँ पे जब IPL स्टार्ट हो रहा था ना, या आप कह सकते हैं तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन चालू हुई थी ना, तब क्या हुआ था, जो पिच के क्यूरेटर थे रमेश जी, उन्होंने देखो क्या कहा था, जो पिच यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी से बनी हुई है, मेड ऑफ रेड सॉइल, गुड बाउंस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दोस्तों लाल मिट्टी से पिच बनाई जाती है ना, तो पिच के अंदर दोस्तों बाउंस आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो बॉल होगी ना वो कीपर की चेस्ट तक कैरी करेगी। अब देखो क्या कहा इन्होंने, और जो बॉल है ना वो बैट के ऊपर अच्छी गति से आती है, बॉल कम्स ऑन टू द बैट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा उसके बाद, आपको बताइए दोस्तों कि जो IPL हो रहा है ना वो अपने महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, तो इस वेन्यू के ऊपर बहुत सारे मैचेस होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे इस वेन्यू के ऊपर और मैचेस होते जाएंगे ना, तो यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। और एक स्टेडियम के ऊपर 5 पिच बनाई गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अभी दोस्तों आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, एक स्टेडियम के ऊपर कितनी पिच है, 5 पिचेस बनी हुई है। तो हर दिन दोस्तों क्या होगा, जब भी यहाँ पे एक बार इस पिच के ऊपर मैच हो गया तो अगले दिन की अगली बार इस स्टेडियम के ऊपर जब मैच होगा ना, तो दूसरी पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा। चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, इनके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा पिच को रोल करने का, इन्होंने ये भी कहा। और यहाँ पे जो पिच होगी लास्ट के अंदर क्या कहा वो देखो, उन्होंने समराइज करा है, पिच शुड बी फुल ऑफ रन्स। यहाँ पे दोस्तों रन्स बनेंगे, हाई स्कोरिंग मैच होगा, बैटिंग पैराडाइज है दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत दोस्तों प्यारा स्टेडियम है ये। अब देखो जब यहाँ पे IPL के मैच होते ना, तब की दोस्तों पिच की फोटो है, मैंने वो भी दोस्तों निकाल के रखी थी लास्ट ईयर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितनी मेरी मैडनेस है स्पोर्ट्स को लेके। तो ये देखो आपके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने फोटोस आपको दिखा दी। बाउंड्री डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो सामने की बाउंड्री दोस्तों पे 72 मीटर है, 72 मीटर है, ठीक ठाक बाउंड्री दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना ज़्यादा छोटी, एक एवरेज बाउंड्री है। अब देखो जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, एक तरफ 67 मीटर है, एक तरफ 68 मीटर है सेंट्रल पिच से। तो आप समझ सकते हो कि सामने की बाउंड्री थोड़ी सी लंबी है, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है। इस मैच में दोस्तों मजा आएगा, ये IPL है दोस्तों, स्वागत है आप सबका टाटा IPL के अंदर। इसका दोस्तों आपको बेसब्री से इंतजार था, दोस्तों मुझे बेसब्री से इंतजार था। टॉप क्लास दोस्तों टूर्नामेंट है, इसके अंदर आते हैं दोस्तों विश्व के सबसे बढ़िया बढ़िया प्लेयर खेलने के लिए। ये स्टेडियम का दोस्तों व्यू है, पास के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या बीच है, बहुत लोग दोस्तों जाते हैं यहाँ पे, आप भी जानते हैं दोस्तों, ज़्यादातर आपको रोड पे दिखेंगे वहाँ पे कपल वगैरह, तो चलता रहता है दोस्तों सब। बहुत ही प्यारा स्टेडियम है दोस्तों ये देखो बर्ड आई व्यू बोलते हैं उसको, देख रहा है, ये अपनी ईगल है या कवर भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। ये भाई साहब स्टेडियम को देख रहे हैं, मस्त मजे से, क्या चाहिए दोस्तों लाइफ के अंदर, ये तो दोस्तों अपने को चाहिए। अपन दोस्तों मैच देख सकें, एकदम एंजॉय कर सकें, टूर्नामेंट को पहला मैच है दोस्तों, अच्छे से इसको अपन आगाज करेंगे, स्वागत करते हैं टाटा IPL का। तब देखो वेन्यू की बात करते हैं, जो वेन्यू ना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, इस वेन्यू के ऊपर CSK ने कितने मैच खेले आपने पता है, यहाँ पे खेले उन्होंने 19 मैच, और भाई साहब 11 मैच जीती है यहाँ पे CSK, 19 मैच खेल गया। वही KKR यहाँ पे 11 मैच खेली है, मात्र 1 मैच जीती है दोस्तों, झटका लगा आपको, KKR 11 में से मात्र 1 मैच जीती है सोनी के ऊपर, इनका दोस्तों रिकॉर्ड बहुत खराब है सोनी के ऊपर। अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करिए सोनी के ऊपर 4 मैच जीती है, जो टीम दोस्तों चेस करिए 6 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 10 IPL गेम्स एट दिस वेन्यू इन अप्रैल। जो लास्ट टाइम यहाँ पे मैचेस हुए थे ना IPL के पिछले सीजन के अंदर, आपको बताया आधा IPL दोस्तों कहाँ होता, अपने भारत में हुआ था, फिर बाद में दोस्तों अपने को फिर से जाना पड़ा कहाँ पे, UAE के अंदर IPL कराने, तब KKR दोस्तों आधे फेस के अंदर ना बहुत बुरी तरह से खेल रही थी, रीज़न यही था कि इंडिया के अंदर इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो इंडिया दोस्तों पे थोड़ा ऐसा, इंडिया के अंदर KKR ऐसा ही खेली थी यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं किसकी, जो यहाँ पे पेसर्स है ना वो बहुत आगे रहते हैं विकेट्स के कॉलम के अंदर। आप देखो लास्ट 5 मैच के अंदर पेसर्स का
41 विकेट है, पहली बारी में 25 है, दूसरी बारी के अंदर 16 है। तो पहली बारी में दोस्तों पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आर्म पेसर्स के 30 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के यहाँ पे 11 विकेट्स हैं। अब बात करेंगे स्पिनर्स की, जो स्पिनर्स यहाँ पे लास्ट 5 मैच के अंदर 17 विकेट निकाले हैं, पहली बारी के अंदर 5 है, दूसरी बारी के अंदर 12 है। तो दूसरी पारी के अंदर दोस्तों स्पिनर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑफ स्पिनर्स के 8 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 4 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 5 विकेट, औसतन स्कोर 160 से 190 बनता है। जो लास्ट मैच खेला गया था लास्ट ईयर CSK वर्सेस RCB 25 अप्रैल का मैच था, उस मैच के अंदर कुल मिला के 11 विकेट गिरे थे, 5 विकेट वहां पे पेसर्स के थे, 6 विकेट दोस्तों वहां पे स्पिनर्स के थे। आई थिंक दोस्तों वही मैच था जिसके अंदर अपने जड्डू भाई साहब ने धोया था हर्षल पटेल को। सनी दोस्तों वेदर है मेरे हिसाब से, बढ़िया माहौल है दोस्तों, पूरा सैटरडे सैटरडे के दिन मैच है, शनिवार आती है मैच है। और यहाँ पे देखो दोस्तों कैसा वेदर फोरकास्ट है भाई साहब, 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्या चाहिए दोस्तों, एकदम बढ़िया चिल मौसम रहेगा, आप भी दोस्तों एकदम चिल पिल रहना। बात करेंगे दोस्तों न्यूज की, तो CSK की बात करते हैं यहाँ पे, मोइन अली पहले मैच के लिए अनअवेलेबल है ड्यू टू वीजा इशू, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इनका वीजा का दोस्तों इशू हो गया था, ये इंडिया पहुंच चुके हैं लेकिन इनको क्वारंटीन करना पड़ेगा 3-4 दिन का। दीपक चहर इंजर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है, पैट कमिंस हो गए, एरन फिंच हो गए, कोलकाता के लिए पहले 5 मैच मिस करेंगे, एलेक्स हिल्स ने पुल्ड आउट कर लिया, एरन फिंच के रिप्लेसमेंट प्लेयर है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 28 मैच खेले आज तक CSK और KKR ने, CSK जीती 18, KKR जीती 9, एक मैच नो रिजल्ट रहा था। अब ध्यान देना है जो लास्ट 9 हेड टू हेड मैच हो ना दोनों टीम्स के बीच में, उसके अंदर CSK 7-2 से आगे लास्ट 9 मैचेस के अंदर। लाइनअप्स की बात करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे CSK के लिए, डेवन कॉनवे आएंगे, रोबिन उतप्पा, अंबती रायडू, शिवम दुबे, MS धोनी, जड्डू ब्रावो, राजवर्धन हंगारकर, ये दोस्तों बहुत अच्छे गेंदबाज, इनका एक्शन बहुत अच्छा है। क्रिस जॉर्डन आएंगे यहाँ पर एडम फास्ट वीडियो में, एडम्बलिन राइटम फास्ट है मेरे हिसाब से। इस मैच में दोस्तों एक चीज क्या हो सकता है, टीम क्रिस जॉर्डन को बाहर करके खिला सकती है मिथ सैटनर को, वो भी दोस्तों मोनेली जैसा काम कर सकते हैं, लेफ्टी बैटर है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन डालते हैं, बस मोनेली ऑफ स्पिन डालते हैं, वही फर्क है, दोनों अटैकिंग गेम दिखाते हैं। बात करेंगे कोलकाता की, वेंकटेश्वर आएंगे यहाँ पे, अजिंक्य रहाणे इनके साथ ओपन करेंगे, अय्यर हैं कैप्टनसी कर रहे हैं, नीतीश राणा, सैम बिलिंग्स हैं यहाँ पे, एंडर रसल, सुनील नारायण, टीम साउदी, उमेश यादव, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, एरन फिंच अवेलेबल नहीं है, तो इनके दो फॉरन प्लेयर्स हैं जो है चमका करतने बेंच पे बैठेंगे, और मोहम्मद नबी, इवन नबी खेल सकते हैं सैम बिलिंग्स के बल्ले, अगर टीम को लगता है यार अपन सैम बिलिंग्स के बल्ले नबी को खिला सकते हैं जो हार्ड हिटिंग बैटिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिस मैचेस की बात करते हैं, हाल ही के अंदर उसको प्रैक्टिस मैच हुआ था एक वीक पहले ही इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले, और जो अपनी KKR थी वो तो यहाँ पे 25 तारीख को ही प्रैक्टिस मैच खेल रही थी 25 मार्च को। तो देखो क्या क्या हुआ था, अय्यर भाई साहब ने 87 करा पहले वॉर्म अप मैच के अंदर, दूसरे में 8 रन बनाए 8 गेंद के अंदर, उसमें 3 विकेट निकाला, राणे दोस्तों 0 पर आउट, उमेश यादव ने आउट करा था इनको, अय्यर 8 और 18 बनाए, दो बार दोस्तों उन्होंने एक ही प्रैक्टिस मैच में दो बार बैट करा, 8-18 करा। नीतीश राणा पहले वार्म अप मैच के अंदर 51 करा 29 गेंदों के अंदर, इंट्रा स्क्वाड मैच था ये, और दूसरे मैच के अंदर दो बार बैट करा 35 और 12 बनाया। सैम बिलिंग्स ने 25 करा, शर्लन जैक्सन ने 32 बनाए 27 गेंदों में, मोहम्मद नबी ने 18 करा 14 गेंद के अंदर, 2 विकेट निकाला, उमेश यादव का 2 विकेट था, अनुकूल राय का 2 विकेट था, वरुण चक्रवर्ती का 2 विकेट था, शिवम मावी का 1 विकेट था। इसमें से बेंच के ऊपर अभिजीत तोमर होंगे, इन्होंने 50 करा पहले मैच में वार्म अप के अंदर, रिंकू सिंह दोस्तों बहुत अच्छे देखे 48 करा 22 गेंद में, 44 करा 25 गेंद में, अमन खान ये दोस्तों अपने मुंबई के प्लेयर हैं 27 करा 33 करा। अय्यर के दोस्तों बहुत जिगरी दोस्त हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखते हैं क्या होता है। शेल्डन जैक्सन दोस्तों आपको देखा होगा चेतेश्वर पुजारा के बाद ना सौराष्ट्र जो टीम है मतलब गुजरात वगैरह की वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा रन्स हैं, शेल्डन जैक्सन के चेतेश्वर पुजारा के बाद इनका नंबर आता है सेंचुरीज के मामले में, रणजी ट्रॉफी वगैरह में बहुत बड़ा प्लेयर है यार वो शेल्डन जैक्सन। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, जब दोनों टीम आमना सामना करती है तो क्या होता है हेड टू हेड मैचेस के अंदर, जब ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं अगेंस्ट है कोलकाता, 4 मैच 52 की औसत है, 208 रन है, बैट फर्स्ट 64 32, सिक्स के ऊपर 72 40 है, अगेंस्ट कोलकाता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 4 मैच के अंदर भाई साहब 50 के ऊपर औसत है, 202 रन है। अब देखो इनका T20 करियर के अंदर ना बैट फर्स्ट 27 की औसत है, बैट सेकंड के अंदर चेस करते हो 51 की औसत, तो चेस मास्टर और ऋतुराज गायकवाड़ भी, इनका 2021 के अंदर फॉर्म देखो आप, ये आप नीचे पढ़ सकते हो, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे हर बार, 28 मैच 39 की औसत 1023 रन है लास्ट ईयर 2021 के अंदर इन T20। डेवन कॉनवे इन्होंने अभी तक IPL खेला नहीं है, पहली बार खेलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे प्लेयर है, टेम्परमेंट बहुत भारी है, साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर है, खेलते न्यूजीलैंड के अंदर जाके अब खेलेंगे भारत के अंदर, 40 की औसत 3 मैच में 81 रन है 2022 के अंदर इस साल, बैट फर्स्ट 46 बैट सेकंड 41 की औसत है। रॉबिन उतप्पा इनका देखो 13 मैच 255 रन है, एक्स प्लेयर है KKR के, 23 की औसत है, बैट फर्स्ट 22 की औसत है, 4 मैच में 88 रन है, बैट सेकंड में 9 मैच में 166 रन है, 24 की औसत है। 2021 के अंदर रॉबिन उतप्पा 11 मैच के अंदर 342 रन 34 की औसत थी। अंबती रायडू
24 मैच के अंदर 24 की औसत अगेंस्ट केकेआर 428 रन्स है, बैट फर्स्ट 21 की औसत है, 6 मैच में 146 रन्स है, चेस करते हुए अगेंस्ट केकेआर 13 मैच 25 की औसत है, 22 रन्स है। लास्ट ईयर फॉर्म देखो, 21 मैच में 372 रन था, तो बढ़िया फॉर्म था इनका भी। शिवम दुबे, ये दोस्तों वैसे वानखेड़े के प्लेयर हैं, मुंबई के लिए खेलते हैं, जो डोमेस्टिक इनकी टीम है, रणजी के अंदर, विजय हजारे के अंदर, फिर अपने सिर मुस्तकली में देखा रहेगा, तो उसमें खेलते हैं। तो इनका 3 मैच में 40 रन है अगेंस्ट केकेआर, बैट सेकंड गिरार पर 22 और 18। 2021 के अंदर देखो, 19 मैच में 492 रन था, 31 की औसत थी, 4 विकेट थे। एमएस धोनी का यहाँ पे 31 मैच के अंदर 550 रन है अगेंस्ट केकेआर, 43 की औसत है, बैट फर्स्ट के अंदर 16 मैच में 400 रन है, 79 की औसत है, बैट सेकंड 10 मैच में 20 की औसत है, 162 रन। लास्ट ईयर दोस्तों बहुत खराब गया था धोनी का, लेकिन विद द कैप्टनसी ही इज अ स्किल मास्टर, इज अ स्किलफुल प्लेयर, जो कहते हैं दोस्तों अपन इनको, क्यों ये इतने दोस्तों खतरनाक प्लेयर हैं, माइंड गेम खेलते हैं ये। 16 मैच के अंदर 16 की औसत थी, लास्ट ईयर 114 रन था, यादगार गया था इनका, मैं कहूँगा IPL, क्योंकि ट्रॉफी जिताई थी दोस्तों, खिताब जिताया था अपनी टीम को। जड्डू की बात करते हैं, 29 मैच 20 विकेट है, 393 रन है, बैट फर्स्ट के अंदर 22 की औसत है, 199 रन है, 13 मैच के अंदर, बैट सेकंड 10 मैच 194 रन है, 194 की औसत है। अब देखो विद द बॉल जड्डू ने क्या करा है, 29 मैच में 20 विकेट निकाले, अब देखो कैसे निकाले हैं, बॉल फर्स्ट 11 मैच में 9 विकेट अगेंस्ट केकेआर, बॉल सेकंड में देखो 14 मैच 11 विकेट, अच्छे फिगर्स हैं, 2 मैच के अंदर मात्र विकेट लग गए हैं। 25 बारी में बॉलिंग करी, 29 मैच खेल के। फॉर्म देखो इस साल, 3 मैच में 70 रन 2 विकेट था इन्होंने दोस्तों, अगेंस्ट श्रीलंका अच्छा परफॉर्मेंस दिया था विद द बैट। ब्रावो की बात करते हैं, 20 मैच 18 विकेट है, 176 रन विद द बैट है, बैट दोस्तों बहुत नीचे करते हैं। अब देखो पहली बारी में गेंदबाजी करते हुए अगेंस्ट केकेआर 10 मैच में 8 विकेट है, दूसरी पारी में 10 मैच में 10 विकेट है, 9 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। आएंगे राजवर्धन, T20 के अंदर 2 मैच खेले, दोनों मैच के अंदर विकेट लग गए हैं आज तक। एडम ब्लिन 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए और अगेंस्ट केकेआर, मतलब आप समझ सकते हो ठीक ठाक स्टैट्स हैं इनके। 2021 के अंदर 36 मैच में 32 विकेट था। राजवर्धन दोस्तों महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है, जो अपनी डोमेस्टिक टीम है उसके अंदर, ये दोस्तों अपने घर के अंदर बैक यार्ड के अंदर पिच बनाई थी उन्होंने खुद, और वहाँ पे बहुत मेहनत करते थे, अंडर 19 के स्टार प्लेयर रहे थे। क्रिस जॉर्डन 5 मैच में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 2, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। 2022 के अंदर इन्होंने खेला था बिग बैश लीग सिडनी के लिए, और फिर उन्होंने कैंसिंगटन ओल के ऊपर वेस्ट इंडीज वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज भी खेली, तो कुल मिला के 9 मैच में 10 विकेट था इस साल। बेंच के ऊपर मिथ सैटनर है, 2 मैच में 2 विकेट अगेंस्ट केकेआर। इस साल फॉर्म देखो, 5 मैच 8 विकेट 158 रन। तुषार देशपांडे का 0 विकेट है, हैट्रिक के अंदर। मोइन अली के स्टैट्स है, प्रिटोरियस के स्टैट्स है, तक्षिणा दीपक चहर सबके स्टैट्स मैंने लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग ओवर एडम ब्लिन, फिर राजवर्धन, क्रिस जॉर्डन, डेथ ओवर के अंदर एडम ब्लिन, क्रिस जॉर्डन, राजवर्धन भी एक ओवर लेके आ सकते हैं डेथ ओवर के अंदर। केकेआर की बात करते हैं, जब वेंकटेश्वर खेलते हैं अगेंस्ट जो सामने टीम है CSK के खिलाफ, 2 मैच खेला, अय्यर ने 50 करा चेस करते, 18 करा बैट फर्स्ट करते हुए। ओवरऑल T20 करियर, बैट फर्स्ट 34, चेस के ओवर 43 की औसत है। 2022 के अंदर 6 मैच में 4 विकेट था, 197 रन था। अजिंक्य राणे अगेंस्ट CSK 18 मैच 343 रन है, 23 की औसत है, बैट फर्स्ट 20 की औसत है, 7 मैच 140 रन है, बैट सेकंड 25 की औसत है, 9 मैच में 203 रन है। तो अच्छी फिगर्स है दोस्तों राणे के भी, बस क्या कंसर्न है, कॉन्फिडेंस कंसर्न है दोस्तों इनका, ना रणजी ट्रॉफी में चले अभी तक, ना दोस्तों ये चले इंडिया के लिए। हाल ही के अंदर जो सीरीज हुई थी श्रीलंका वगैरह के खिलाफ, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं करा था। अय्यर आएंगे यहाँ पे, 11 मैच 24 की औसत है, यहाँ 236 रन है, बैट फर्स्ट 26, 19, 18, 13, 1, जिसके ऊपर 70 नाबाद, 44, 23, 13, 7, 2, मतलब देख रहे हो आप दोस्तों अय्यर का फॉर्म देखो आप पहले, फिर बाद में आपको और चीज़ें बताता हूँ। 4 मैच 229 रन है, 229 की औसत है। आई थिंक दोस्तों राणे को पिक ही नहीं करा था स्क्वाड के अंदर श्रीलंका के खिलाफ, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दोस्तों कहाँ चले थे वो। बात करेंगे किसकी, नीतीश राणा की, तो इनका परफॉर्मेंस देखो, 8 मैच के अंदर 26 की औसत है, 179 रन है, बैट फर्स्ट 87, 37, नॉट आउट 21, नेट 16, 9-0, चेस के ऊपर 9-0, तो ठीक ठाक दोस्तों प्लेयर है। जब इनका दिन होता तो चलते हैं, नीचे खेलेंगे तो फिर दोस्तों इनको चांस थोड़ा कम ही मिलेगा। नंबर 4 नंबर 5 में आते हैं, सैम बिलिंग्स को प्रमोट किया जा सकता है, बैट फर्स्ट 25 की औसत है, बैट सेकंड 32 की औसत है। लास्ट ईयर फॉर्म देखो, 29 मैच 2021 के अंदर 722 रन थे, 31 की औसत थी। सैम बिलिंग्स आएंगे, साल फॉर्म अच्छा है इनका, 6 मैच में 91 रन है, 23 की औसत है, बिग बैश लीग के अंदर बहुत अच्छा फिनिश करा था। एंडर रसल का 13 मैच के अंदर 360 रन अगेंस्ट CSK 45 की औसत है, बैट फर्स्ट 88 नॉट आउट, 50 नॉट आउट, 20 10 2 2 नॉट आउट, चेस के ऊपर 58 55 नाबाद, 54 16 4 1 है। बॉल फर्स्ट 7 मैच में 6, बॉल सेकंड 5 मैच में 2 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। तो गेंदबाजी से इनका 13 मैच में 8 विकेट है। 2022 के अंदर फॉर्म देखो, बिग बैश लीग खेली थी, 6 मैच में 8 विकेट थे मेलबर्न स्टार्स के लिए,
61 रन थे। नारायण 19 मैच में 24 विकेट है, बॉल फर्स्ट 10 मैच में 9, बॉल सेकंड 9 मैच में 15 विकेट है, तो बॉल सेकंड में अच्छे फिगर्स हैं। 4 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। 2000 का फॉर्म देखो उनका, 22 का, इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली थी, ओपन करते थे, 8 मैच में 4 विकेट था, 159 रन था। टीम सऊदी की बात करते हैं, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 0 विकेट्स हैं अगेंस्ट सीएसके। इस साल फॉर्म देखो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला था इन्होंने सुपर स्मैश कप के अंदर, 3 मैच में 6 विकेट था। उमेश यादव लास्ट टाइम आपको सीरियस वर्ड्स कहूँ ना, तो लास्ट 2-3 साल के अंदर उमेश यादव ने मुश्किल से 5 T20 मैच खेले, मुश्किल से लास्ट 2 साल के अंदर। तो ये दोस्तों कम T20 खेल रहे हैं, जगह नहीं बनती इनकी। एक तो 11 के अंदर इस साल मिलेगी जगह, 15 मैच में 12 विकेट है अगेंस्ट सीएसके, बॉल फर्स्ट 9 मैच में 6, बॉल सेकंड 6 मैच में 6 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पे शिवम मावी, 3 मैच में 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉल सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। वरुण चक्रवर्ती का 5 मैच में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉल सेकंड 3 मैच में 4 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। चलेंगे दोस्तों अपन किसकी तरफ, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म देख लो, लास्ट ईयर 23 मैच में 20 विकेट था। एरन फिंच के स्टार्ट्स लेकिन अवेलेबल ही नहीं है, मोहम्मद नबी के स्टार्ट देख लो, हेड टू हेड नहीं खेला है। फॉर्म देखो उनका इस साल, 14 मैच में 14 की औसत थी, 145 रन थे, 8 विकेट था। बॉलिंग दोस्तों अच्छी कर रहे थे, पीएसएल के अंदर भी विद द बैट परफॉर्मेंस नहीं आया था। स्टार्टिंग ओवर टीम सऊदी, शिवम मावी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। डेथ ओवर में टीम सऊदी, शिवम मावी, उमेश यादव। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, जब भी सोनी कुमार मैच में तो क्या हुआ था, आपको ध्यान देना, सोनी कुमार ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 मैच खेले, 117 रन है, 23 की औसत है, बैट फर्स्ट 64-33, 10-5 चेज के ऊपर 5 है। डेवन कॉनवे यहाँ पे नहीं खेले। रोबिन तप्पा का 18 मैच में 29 की औसत है, 491 रन है। अम्बाते रावड़े का 58 मैच खेला है यहाँ पे, ये पहले एमआई के लिए भी खेलते थे, आपको बताया उनका होम ग्राउंड ही वैसे अनऑफिशियली, 985 रन से 21 की औसत है, 12 टाइम्स 30 प्लस स्कोर्स आए हैं यहाँ पे 58 मैच खेलते हुए, 7 बार पहली पारी में आए। शिवम दुबे 14 मैच 27 की औसत है, 296 रन से होम ग्राउंड इनका, 6 विकेट है। बैट फर्स्ट 46-28-26-21 नॉट आउट 40, चेस के ऊपर 63-44 नॉट आउट 23-22-17-20। उमेश बाद में आएंगे, पहले धोनी की बात कर लेते हैं। 25 मैच 25 की औसत है, 356 रन है। जड्डू का 21 मैच में 16 विकेट है, 265 रन है, 12 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। ब्रावो का 18 मैच में 23 विकेट है, बॉल फर्स्ट 14 मैच में 19 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 4 विकेट है, और सिर्फ 3 मैच के अंदर यहाँ पे विकेट लग गए हैं। तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं सोनी के ऊपर, कटर्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, वेरिएशन अच्छे इनके पास। राजवर्धन यहाँ पे नहीं खेले हैं। एडम लेन का 1 मैच में 0 विकेट था, बॉल सेकंड करते हुए। क्रिस जॉर्डन का 2 मैच में 0 विकेट है, एक बार बॉल फर्स्ट एक बार बॉल सेकंड। चलेंगे यहाँ पे कोलकाता की तरफ। अय्यर का 3 मैच में 85 रन है, ये भी दोस्तों का ग्राउंड है एक तरीके से, क्योंकि मुंबई के अंदर ही खेले हैं यहाँ पे, रणजी ट्रॉफी यहीं पे खेलते थे, विजय राय यहीं पे खेलते थे। एक ये तो वेंकटेश शेयर है यार, मेरे हिसाब से मैं अय्यर की बात करता। श्रेय शेयर का 16 मैच के अंदर 306 रन है, दोनों दोस्तों अय्यर है ना, वेंकटेश शेयर श्रेय शेयर, दोस्तों दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो श्रेय शेयर का 16 मैच में 306 रन है, 22 की औसत है, बैट फर्स्ट 19-19-16-16-14-12-7-0। तो चेस बैट फर्स्ट के अंदर यार एक भी 20 प्लस स्कोर नहीं है, वहीं चेस के ऊपर 86-30-30-27 नॉट आउट 15-54। आपका बात करते हैं वेंकटेश शेयर की, जो दोस्तों नया अय्यर है, 3 मैच 85 रन है, बैट फर्स्ट 35-26-24। अजीन के राणे 16 मैच 370 रन का भी ग्राउंड है, 31 की औसत है, 56-40-38-8-3-3 चेस के ऊपर 66-14-37-37-22-16-4। तो चेस पे अच्छा करा है, तो अजीन के राणे का ग्राउंड, अय्यर का ग्राउंड, दोनों दोस्तों पे अच्छा कर सकते हैं। नीतीश राणा यहाँ पे पहले मुंबई के लिए खेल चुके थे, इनका भी दोस्तों एक तरीके से अनऑफिशियली ग्राउंड है 3 प्लेयर्स का, ये तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 15 मैच 469 रन से 31 की औसत है यहाँ पे नीतीश राणा का, स्पेशली यहाँ पे बैट फर्स्ट में अच्छी पारी के लिए 74-66-26-22-16-8-53-50-45-31-27-27-12-9-3। बिलिंग्स नहीं खेले, रसल का यहाँ पे 8 मैच के अंदर 155 रन है, 6 विकेट है, बैट फर्स्ट 22-12-9-54-54-43 नॉट आउट 16-0-9-2, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 0 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। नारायण बाबा 9 मैच 11 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच 4, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैच में 7 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। इनके एटीट्यूड स्टार्ट्स भी अच्छे हैं, मैनेज स्टार्ट्स भी अच्छे हैं, स्पेशली बॉल सेकंड में। टीम सऊदी 4 मैच में 3, बॉल फर्स्ट के अंदर आप देखो इनके 3 मैच में आई थिंक 3 विकेट होंगे, बॉल सेकंड में 1 मैच में 0 विकेट है। उमेश यादव 6 मैच में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 4, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। शिवम मावी का यहाँ पे 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। वरुण चक्रवर्ती का 2 मैच में 3 विकेट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी। और बॉल फर्स्ट में 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, और एक भी मैच के अंदर विकेट लॉस नहीं गया। बात करेंगे दोस्तों मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज गायकवाड़ का मैचअप यहाँ पे देखो आप किसके सामने, रसल के सामने 6 गेंद 17 रन एक बार आउट में, नारायण के सामने 34 गेंद 43 रन एक बार आउट में। वरुण भाई साहब इनको रुकते हैं, वरुण चक्रवर्ती 33 गेंद 29 रन एक बार आउट कराए,
अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो अपने ऋतुराज गायकवाड़ है ना, वो किस टाइप के बॉलर के सामने आउट होते हैं, ये लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट होते हैं। मैं ऐसे नहीं लिखता दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ ना लेग स्पिन के सामने 18 पारियों में 7 बार आउट हुए लेग स्पिन के सामने और 161 गेंद में 215 रन है। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने भी दिक्कत है, 11 पारी 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, 92 गेंद 121 रन। कॉनवे वर्सेस टीम सऊदी, 4 गेंद 0 रन, 1 बार आउट करा है। मोइन अली तो अवेलेबल ही नहीं, इनके बारे में क्या कहूँगा दादा आपको। रोबिन उतप्पा वर्सेज है उमेश यादव, 29 गेंद 27 रन, 2 बार आउट करा है। पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, 68 इनिंग्स के अंदर 27 बार आउट हुए हैं। अंबती रायडू वर्सेज रसल, 1 बार आउट हुए हैं। नारायण ने इनको 4 बार चलता करा है। अंबती रायडू को 60 गेंद में मात्र 52 रन दिया है, 4 बार आउट करके 3 बार तो दूसरी बारी में करा, ठीक है। नबी ने 1 बार आउट करा 10 गेंद में 5 रन देके। लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं रायडू। एम एस धोनी का यहाँ पे मैचअप है रसल के सामने, आप देख सकते हो 49 गेंद 54 रन, 2 बार आउट करा है, दोनों बार पहली बारी में। नारायण ने 2 बार आउट करा है, 112 गेंद में 58 रन देके। भाई साहब 50 के आसपास स्ट्राइक रन रेट है धोनी का अगेंस्ट नारायण। टीम सऊदी ने 2 बार, वरुण चक्रवर्ती ने 3 बार आउट कराया, 12 गेंद में 10 रन देके, 3 बार दूसरी बारी में। लेफ्ट आर्म पेसर सामने दिक्कत है माही भाई को। जड्डू का यहाँ पे स्ट्रगल है नारायण के सामने, 65 गेंद 56 रन, 2 बार आउट कराया। कमिंस ने 2 बार आउट कराया, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं ये जड्डू। अय्यर का मैचअप है लेग स्पिन के सामने, 6 पारियों में 3 बार आउट हुए हैं और अभी तक किसी भी बॉलर के सामने आउट नहीं हुए जो अपने जडेजा हो गए, ब्रावो हो गए, मोइन अली हो गए, दीपक चारी, सबके सामने आउट नहीं हुए अय्यर। अजिंक्य रहाणे का यहाँ पे मैचअप है, जड्डू के सामने 1 बार आउट है, ब्रावो के सामने 2 बार आउट हुए रहाणे, पर सबसे बड़ा मैचअप तो दीपक चहर पर अवेलेबल ही नहीं है, 4 बार आउट करा 23 गेंद में। अय्यर का मैचअप है यहाँ पे जड्डू के सामने, ब्रावो के सामने, एडम मिलन के सामने, शेष अय्यर का मोइन अली के सामने है। तो आप मैचअप देख सकते हो, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, 65 पारियों में 19 बार आउट हैं। नीतीश राणा वर्सेज दीपक चहर, 2 बार आउट हैं और ये लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। शेन बिलिंग्स का स्ट्रगल यहाँ पे है, डीजे रॉ के सामने 10 गेंद 8 रन, 2 बार आउट करा है। एडम मिलन दोस्तों के टीममेट रह चुके हैं सिडनी थंडर के लिए, सेकंड लास्ट ईयर। क्रिस जॉर्डन 35 गेंद 71 रन, 4 और दोस्तों कैंट की जो टीम है ना T20 ब्लास्ट की, विटालिटी T20 ब्लास्ट की, उसके अंदर दोस्तों कैंट के लिए एडम मिलन भी खेलते थे और उसके अंदर दोस्तों सैम बिलिंग्स भी खेलते थे, सैम बिलिंग्स को कैप्टनसी करते थे। तो एडम मिलन और सैम बिलिंग्स एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एडम मिलन के बाद क्रिस जॉर्डन ने 35 गेंद में 71 रन देकर 4 बार आउट करा है। सैटनर ने 2 बार आउट करा है, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं सैम बिलिंग्स। रसल का स्ट्रगल है डीजे ब्रावो के सामने, ये दोस्तों कैरिबियन मैचअप है। 152 गेंद 313 रन, 7 बार आउट करा है। जड्डू ने 5 बार आउट करा है, लेफ्ट आर्म पेसर सामने अटकते हैं। सुनील नारायण का आप देख सकते हो, सुनील नारायण का मैचअप आप देख लो, ठीक है। ये बहुत बड़ा वीडियो दोस्तों पहले बन चुका है, एरन फिंच अवेलेबल ही नहीं है। कॉमन कैप्टन अय्यर रसल, बड़ी लिस्ट में आप बनाओ यहाँ पे अय्यर को, रुतराज को, जड्डू को, फिर यहाँ पे अय्यर को अलग जाना है, रसल कॉनवे नारायण को आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे सैम बिलिंग्स है मेरे पास, अय्यर है और यहाँ पे गायकवाड़। अय्यर को दोस्तों कैप्टन करने का यही रीज़न था, फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड स्टैट्स उनके बहुत एवरेज है, मतलब आप खुद देख सकते हो वेन्यू के अंदर भी उनका बैट फर्स्ट में एक भी 20 प्लस स्कोर नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अय्यर यहाँ पे, ये भी दोस्तों अय्यर दूसरे वेंकटेश अय्यर है, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोनों का क्रेडिट भी सेम रखा है, 9.5 9.5, नाम भी दोस्तों सेम अय्यर, बस एक में एस है एक में वी है। तो देखो यहाँ पे नारायण है, जड्डू है, कॉनवे है, एडम मिलन है, टीम सऊदी, डीजे ब्रावो। अब आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, आप वरुण चक्रवर्ती को ले सकते हो इंस्टेड ऑफ, अगर आपको लगता है कि जो अपने भाई साहब है टीम सऊदी वो नहीं चलेंगे, तो आप वरुण चक्रवर्ती को भी ले सकते हो। देखो बड़ी लिस्ट में क्या करना है, आपने दोस्तों कभी भी घबराना नहीं है, रिस्क लेने से नहीं डरना आपने दोस्तों। लाइफ ऐसी होती है कि आप जब तक रिस्क नहीं लोगे ना, तो आपको दोस्तों लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन इन द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में दोस्तों कुछ बड़ा पाना है ना, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो। सैम बिलिंग्स बहुत अच्छे कीपर है, अच्छे टेक्निक से खेलते हैं। धोनी का दोस्तों मैं वही कहूँगा, जब अपने फॉर्म में थे ना, प्राइम फॉर्म के अंदर, अब तो आप एज जानते हो दोस्तों 40 के आसपास इनकी एज होने को आई है, जब ये फॉर्म में थे भाई साहब क्या खेलते थे धोनी। लेकिन दोस्तों अब ये लीडरशिप का रोल अच्छा कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू हिम। लेकिन मैं कहूँगा आप इनको अवॉइड कर सकते हो धोनी को, आप सैम बिलिंग्स के साथ जाओ, सरल जैक्सन खेले तो आप इनको पिक कर लेना। चलेंगे फिर अपन किसकी तरफ, अय्यर की तरफ, इंपॉर्टेंट रहेंगे। गायकवाड़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अय्यर के दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा हेड टू हेड स्टैट्स और वेन्यू स्टैट्स के अंदर दिक्कतें हैं थोड़ी सी। राणा फॉर्म अच्छा है, तो हमेशा कहूँगा दोस्तों फॉर्म को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। राणा दोस्तों अगर टॉप 4 में खेले तो ले लेना, नंबर थ्रेड आपको डिपेंड करेगा कौन में दोस्तों अच्छे प्लेयर है, टेक्निकल साउंड बेटर है। राणे का फॉर्म दोस्तों कंसर्न है, लेकिन अगर मेहनत करी होगी अपने आपके ऊपर तो रन बना सकते हैं वो भी। रोबिन उतप्पा आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उनको छूट दी जाएगी, आज जाके हिटिंग करें तो रन भी बना सकते हैं। जड्डू इंपॉर्टेंट है, मोइन अली अवेलेबल नहीं है। रसल दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अय्यर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेंकटेश आएंगे, फिर नारायण, ये भी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मतलब गेंदबाजी इनकी अच्छी रही है हेड टू हेड स्टैट्स के अंदर।
नबी खेले तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं सैटनर खेलेंगे तो पक्का आपको उनको लेके चलना पड़ेगा। ब्रावो इंपॉर्टेंट है, चेयर नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, टिम साउदी दोस्तों आपको डिपेंड करेगा, वरुण चतुर्थी को आप इनको साथ रोटेट कर सकते हो, डबल इनके पास गति है दोस्तों, जाने तो अपनी गति के लिए इस पिच के ऊपर बाउंस मिलेगा, इनको रेड सॉइल है तो गुड बाउंस आपको देखने को मिलेगा, जिनके पास अच्छी गति है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के लिए। उमेश यादव ग्रैंड लीग पिक बनेंगे। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन कराओ मिल जाएगा। आप दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर जाके, स्टैट्स गुरुजी नाम का ऐप है, आपको उसको सारे स्टैट्स रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, सी सुन, जय हिंद।